साल के बाद कुछ बदबख्त पैदा हुए हैं जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से प्रॉब्लम हो गया है। आप समझे बात? तो दरअसल होता क्या है कि हमको मीडिया का नॉलेज नहीं है, एज अ रिजल्ट हम मीडिया में जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कौन है, है कि नहीं। यूएस क्राइम विक्टिमाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2005 में अमेरिका की विक्टिमाइजेशन रिपोर्ट शाया करती है कि एक साल के अंदर 191,667 रेप होते हैं एक साल में अमेरिका में, यानी ऑन एन एवरेज डेली 532, ऑन एन एवरेज डेली 532। और ये 16% है, 84% औरतों ने रिपोर्ट नहीं किया है, ये सिर्फ 16% है। बीबीसी वन 12 नवंबर 2007, इंग्लैंड की जो बीबीसी है वो रिपोर्ट छाया करती है एक साल में नवंबर 2007 तक 85,000 रेप होता है औरतों का इंग्लैंड में। और अफसोस की बात है, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज है, हमारी कंट्री इंडिया जिसका कल्चर सभ्य माना जाता है, बेहतरीन कल्चर माना जाता है, इंडिया की 2011 नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहती है एनसीआरबी कि हर 20 मिनट में इंडिया में एक रेप होता है। अफसोस की बात है, हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है इंडिया में। ये कौन कह रहा है? एनसीआरबी जुलाई 2011 की रिपोर्ट है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इसका सॉल्यूशन लेकर कौन आया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 10 अक्टूबर को 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आता है जिसमें पिछले सितंबर में, इस सितंबर को हरियाणा में 15 से ज्यादा गैंग रेप होते हैं हरियाणा में। और हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि इन गैंग रेप को रोकने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो क्या है? लड़कियों की शादियों का एज को कम किया जाए। कौन कह रहा है? ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं, 10 अक्टूबर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2012। इस स्टेट वेस्ट बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी, उनकी एक रिपोर्ट आती है टाइम्स ऑफ इंडिया में 16 अक्टूबर को 2012 पेज नंबर 4 में। वो कहती हैं, ये जितने भी रेप के केसेस बढ़ रहे हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि मर्द और औरत आसानी से मिलते हैं। और आज सिस्टम ये हो गया है कि हमारे ज़माने में कोई अगर एक लड़की का हाथ थामता था तो बड़ा ह्यू एंड क्राई मचता था, लेकिन आज फ्री में और फ्री में ले जाओ। कौन कह रहा है? ममता बनर्जी कह रही है। इसलिए वो कहती हैं कि रेप को रोकने का एक ही जरिया है, वो क्या है? लड़के लड़कियों को आसानी से मिलने ना दिया जाए। यही सॉल्यूशन लेके आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब का सॉल्यूशन दिया रेप के लिए। तो आज मीडिया क्या कहती है? ये हिजाब इस मुसलमानों को दबाता है, औरतों को दबाता है। मैंने कहा था ना आपको, ये नबी की तालीमात को इसलिए नहीं मानना चाहते हैं, अदरवाइज ये फहाशी और अय्याशी का काम करेंगे कैसे, ये इसलिए नहीं मानना क्यों तैयार है। और अगर किसी प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को जेड ग्रेड सिक्योरिटी मिलती है मिसाल के तौर पर, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू घटती है क्या जेड ग्रेड सिक्योरिटी मिलने से? वैल्यू घटती नहीं है, बल्कि वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए इस्लाम में हिजाब, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हिजाब कहा उनकी वैल्यू को घटाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इज्जत को और ऊंचा करने के लिए। ये जेड ग्रेड सिक्योरिटी है औरतों के लिए, ये हिजाब है। ये सॉल्यूशन लेके कौन आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तालीमात को नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे? तो फिर ये अय्याशी फहाशी होगी कैसी? यही वजह है कि ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तस्लीम नहीं करना चाहते। और मीडिया में एक बात और हाईलाइट की जा रही है आज कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्ला एक टेररिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लोग बड़े शिद्दत पसंद होते चले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक, पहला वर्ल्ड वॉर होता है, कितने लोग मारे जाते हैं? 21 मिलियन लोग मारे जाते हैं, 21 मिलियन लोग। मैं पूछना चाहता हूं, कौन था इसमें? क्या इसमें कुरान इन्वॉल्व था? क्या इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वॉल्व थे? क्या इसमें मुसलमान इन्वॉल्व था?
क्या इसमें जिहाद इन्वॉल्व था, कौन इन्वॉल्व था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 to 1945, 56 मिलियन लोग, 56 मिलियन लोग मारे जाते हैं, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया 56 मिलियन लोग। कौन इन्वॉल्व था? कुरान, मुसलमान, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद, कौन इन्वॉल्व था? कोई इन्वॉल्व नहीं था। रशियन सिविल वॉर होता है 1924 से लेकर 1953 तक, 70 मिलियन लोग मारे जाते हैं। फिर मेरा सवाल है, कौन इन्वॉल्व है? ना कुरान इन्वॉल्व है, ना जिहाद इन्वॉल्व है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वॉल्व है, ना मुसलमान इन्वॉल्व है। 6 अगस्त 1945 अमेरिका अपने B-29 बॉम्बर प्लेन से हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बॉम्ब गिराती है, 85,000 लोग ऑन स्पॉट मार दिए जाते हैं। 9 अगस्त 1945 जो दूसरा बॉम्ब गिराती है, 2,40,000 लोग मारे जाते हैं। कौन इन्वॉल्व है? मुसलमान, कुरान, जिहाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कोई इन्वॉल्व नहीं है। फिर ये मीडिया अलग तरीके से शाया क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है क्योंकि हमने आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम नहीं किया है वेस्टर्न मीडिया में, या आम मुसलमानों में हमने और आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम नहीं किया है, इसलिए होता है। आप सोचिए, ये लोग उस इंसान पर दहशतगर्द का लकब लगाना चाहते हैं जिसने अपने दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबई का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लम के लिए दुआए मगफिरत जब की, तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 80 में आयत उतारी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने दुश्मन के लिए 71 बार मगफिरत की दुआ करना चाहते हैं। आप सोचिए, 71 times, फिर भी लोग क्या कहते हैं, मीडिया कैसे प्रेजेंट करती है? कुरान में एक आयत है सूरह तौबा आयत नंबर 6 में कि और जब तुमसे जो लोग लड़ रहे हैं, कोई काफिर या मुशरिक तुमसे लड़ते हैं, और अगर वो सुलह चाहते हैं तो उनको सुलह दो, उनसे लड़ो मत। ये कहना आसान है लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। आप देखिए, एक कॉमन लड़ाई हो रही है, दो लोग आपस में भिड़े पड़े हैं, और उनको अगर आप कहेंगे कि लड़ाई मत करो, छोड़ दो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अगर तुमसे काफिर सुलह करना चाहे, आप सुलह कर लीजिए। इसीलिए फतेह मक्का में जब सहाबा इकराम मक्का एंटर कर रहे थे तो सहाबा इकराम ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज बदले का दिन है। तो मोहम्मद सल्लम ने क्या कहा? ला, ना, ऐसा ना कहो, बल्कि कहो अल यौम यौमुल मरहमा, बल्कि आज रहमत का दिन है, आज मगफिरत का दिन है, आज सबको माफ कर दिया जाएगा। यह हिस्टोरिक वाक्या हमको मिलता है, उसके बावजूद ही मीडिया का कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह टेररिस्ट है। क्यों? बात फिर वहीं पर चली जाती है, क्योंकि हमने आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम नहीं किया है। ये ऐसा होता है, इसलिए ज़रूरत यह है कि हमको आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करना है। अगर सीरत को आम करेंगे तभी ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडे मच रहे हैं पूरी दुनिया में आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तभी इसको रोका जा सकता है। अदरवाइज़ मुश्किल है, क्योंकि इनके पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ इनके पास, ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारी आज कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग एकजुट होकर के काम करें और कुरान और सही हदीस की तालीमात को आम करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करें, ताकि जो लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर आपके ज़ाते अक़दस पर गलत फहमियाँ उठाना चाहते हैं, हम इन गलत फहमियों को दूर कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हिदायत अदा फरमाए, कुरान और सही हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सीरत को लोगों तक आम कर सकें। वाखरु दवाना अलहम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ورفعنا لك ذكرك وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم। अभी आप हजरात इस्लामिक स्टडीज़ के एक स्टूडेंट ब्रदर यूसुफ खान से उनका टॉपिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम शख्सियत या
अंग्रेजी ज़बान में जो टॉपिक दिया गया था, हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ताल्लुक़ से मैंने ख़िताब से कबल भी आप हज़रात के दरमियान ये बातें रखी थी कि बहुत सारे भाइयों को कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं इस टॉपिक को लेकर कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अपने पुरमक्स खिताब में बदर यूसुफ़ ख़ान ने आप हजरात की गलत फहमियों के मुकम्मल तौर पर इजाला फरमाया है और ये बताया है कि आखिर हो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये टॉपिक क्यों है। यकीनी तौर पर ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को नहीं जानते, आपके अखलाक करीमाना को नहीं जानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अखलाक जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है कि नबी आप अखलाक के ऊँचे मरतबे पर फायज़ हैं। और एक सहाबी ने अल्लाह के नबी अम्मा आयशा सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, क्या फरमाया अम्मा आयशा ने, आप फरमाती हैं क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते, मतलब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मुकम्मल कुरान करीम के अंदर है, कुरान करीम पढ़ो और अल्लाह के नबी के अखलाक को देखो। बुजुर्गों और साथियों, खिताब के दौरान वजाहत के साथ आपके सामने ये बातें आई हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ जो लॉबी काम कर रही है इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां करके, दरअसल इनका मकसद ये होता है कि उम्मत मुस्लिमा जो आपस में इत्तेहाद के साथ रहते हैं, एकता और अमन के साथ रहते हैं, इनके इत्तेहाद को तोड़ा जाए, इनकी यकजहती को चूर किया जाए, इनके मिलाप को बर्बाद किया कर दिया जाए, और इसके लिए वो हर तरह के अपने काम को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कहा जाए कि मुसलमानों की पीठ इतनी मजबूत है कि हर तरह की तकलीफ़ों को ये बर्दाश्त कर लेता है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा हम और आप 9/11 के वाक़े को देखें और उसके बाद देखें कि 9/11 के बाद से मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर किस तरह हरासा किया गया है, किस तरह परेशान किया गया है, उनको दहशतगर्दी का लेबल चिपकाकर उनके जवानों को, उनके बच्चों को किस तरह जेल में सड़ा दिया गया है, उनके इमलाक को किस तरह लूट लिया गया है। खुद इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे सूबों में, बहुत सारे शहर में फ़िरका वाराना फसाद के ज़रिए से मुसलमानों को किस तरह तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें होती हैं लेकिन मुसलमान उफ तक नहीं करते। आखिर ये इनकी परेशानी है कि आखिर क्या मामला है, इनके इनको किस कदर सहन है, इनको बर्दाश्त की कितनी ताकत है, क्यों बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चला कि इनके इमलाक लूट लो, इनके शहर को वीरान कर दो, इनके घरों को बर्बाद कर दो, इनके बच्चों को जेल में सड़ा दो, सब कुछ कर दो, ये जबान से उफ तक नहीं करेंगे। ये उफ करते कि एक ही वजह है कि कुरान पर हमला करो, इस्लाम पर हमला करो, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करो। ये चीज़ देखते हैं, जब ये बातें हमारे सामने आती हैं तो मुसलमान का खून खौल जाता है, वो सड़कों पर उतर आता है, हंगामे भी होते आते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसलमान ऐसे आलम में अपने होश को खो बैठता है। ये मुसलमानों की फितरत का तकाज़ा है, क्योंकि मुसलमानों की एक ही आवाज़ है कि जो जान मांगो तो जान दे दूँ, जो जान मांगो तो जान दे दूँ, जो माल मांगो तो माल दे दूँ, मगर ये हो ना सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे दूँ। बुजुर्गों और साथियों, जब ये वाकयात पैदा होते हैं तो उसके रद्द अमल के तौर पर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मसले का ये हल नहीं है, हमारे मसले का ये हल नहीं है। एक शख्स फिल्म बना कर जाए, हम हंगामा कर दें,
एक शख्स नबी के शान में गुस्ताखियाँ करते, हम हंगामा कर दें, हम मजमा लगा लें। बुजुर्गों और साथियों, मजमा लगा लेने से मसला हल नहीं होता। मसला का हल ये है कि आखिर उस नबी की ज़ात पर, उनकी शख्सियत पर जो हमला किया जाता है, उनके खिलाफ जो नाज़ेबा बातें लिखी जाती हैं, क्यों लिखी जाती हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को दुनिया के सामने पेश करने से कासिर है? अगर हम अपने गरीबान पर नज़र डाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि शायद कोई कमी हमारे अंदर है। बुजुर्गों और साथियों, ये कॉन्फ्रेंस, ये खिताब, उसकी एक वजह यह भी है कि हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को दुनिया के सामने पेश करें। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद खातिबुन नबीईन वअला आलिही वसहबिही अजमईन, अम्मा बाद।